प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा श्रमिक कार्ड पंजीयन के आयोजन में शामिल हुए। पीताम्बरा पीठ पहुंचकर मां पीताम्बरा देवी की पूजा अर्चना की। साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में आमजनों की समस्या सुनी और समस्याओं के निराकरण के लिए जिले के अधिकारियों को निर्देश जारी किए। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मां पीताम्बरा देवी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने मां बगलामुखी के दर्शन कर वन खंडेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया। गृह मंत्री अपने निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक अपने विधानसभा क्षेत्र के ग्राम रावरी पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों ने गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को बग्घी पर बैठाया। नरोत्तम मिश्रा ने बग्घी पर बैठकर गांव का भ्रमण किया, जहां ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। ग्राम रावरी में आयोजित श्रमिक कार्ड वितरण पंजीयन आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि गृह मंत्री शामिल हुए। गृह मंत्री ने कहा, स्थानीय कांग्रेस नेता सिर्फ जोर से बोलकर भारतीय जनता पार्टी की विकासशील योजनाओं को दबा सकते हैं, लेकिन खुद 45 साल में क्या किया वो बता नहीं सकते। गोसाई जी वो कह रहे थे मैं इसी गांव का हूँ। अच्छा, वो कह रहे थे ये बात सही बात है क्या? 35 साल में उन्होंने कोई काम नहीं कराया है। सही बात है क्या? है एक हाथ को कराया हो ना, अभी 15 महीने हो कहीं नहीं बहुत। नहीं, मैं तो जानकारी ले रहा हूँ, चूंकि उनने बोला है इसलिए। कुछ भी नहीं, 35 साल कभी तो कराया होता है। नहीं, मेरे को आरोप साड़ी में तो जानकारी के लिए ले रहा हूँ। देखो, वो एक अच्छी कला जानते हैं, और वो कला है कि सामने वाले को इतनी जोर जोर से गाली दो, इतनी जोर जोर से आलोचना करो कि लोगों का ध्यान मुंह पे जाए ही नहीं, पूछे ही नहीं कि तुमने क्या करो। एक काम करते, जैसे मैंने आज एक सारी घोषणा करी, इनमें से जो जो नहीं होगी ना चुनाव पे, वो ही आगे वो दोहराएगा कि देखो ये भाई का, ये भाई का, ये भाई का, ये नहीं बात से पूछ पाओगे तुम तब ना कि तुमने क्या करो। 35 साल जीते तो तुम अतेरा जी पोलिंग से हरवे हो भाई। आजादी के बाद से 55 साल से भी लड़ रहे हैं, 55 साल से 35 साल जीते हैं, लड़े पर भी है, जीते पर भी है। तो जब वे पावर में आए तो उनने कुछ नहीं किया, ये नहीं बताएंगे। हमको चोर कहेंगे, ढोर कहेंगे, मक्का कहेंगे, जो भी कह सकते हैं वो सब कहेंगे। तो ये स्थिति जो रहती है, इसको हमको अंतर्मुखी होके सोचना पड़ेगा अपन सबको। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।